આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક છે નીલકંઠ પતંગ હોટલ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ. આજે અતિથિમાં અમારી સાથે એક એવા વિશિષ્ટ ગેસ્ટ હાજર છે. અવાજની દુનિયાના જે બાદશાહ કહી શકાય, શહેનશાહ કહી શકાય, કદાચ આંખ બંધ કરીને તેમનો અવાજ આવે જે પ્રમાણે ગાયકોએ પોતાની ગાયકીના અંદાજથી પોતાનું એક સ્થાન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્થાપી દીધું હતું, તેવા જ એક ગાયક અમારી સાથે હાજર છે, મોહમ્મદ અઝીઝી. મોહમ્મદ અઝીઝી, આપકા સ્વાગત હૈ કાર્યક્રમ. નમસ્કાર. પૂછ લું, મેં હિન્દી કમ્ફર્ટેબલ રહેગા આપકો? મેરે જી હાં, ગુજરાતી થોડા ના, હિન્દી. અઝીઝી, સબસે પહેલે મેં પૂછના ચાહુંગા કી આપકા પહેલા બ્રેક જ્યોતિ જી બેંગોલી ફિલ્મ થી, ઓર એક થા અંબર. જી સર, અંબર થા વો આપકા પહેલા બ્રેક થા 1984 મેં. ઉસસે પહેલે વાલી બાત કરની હૈ હમ, જ્યોતિ ઓર અંબર પે બાદ મેં આયેંગે, ઉસસે પહેલે કી બાત કરતે. हमने कहीं पढ़ा भी, आपने बोला भी है अपने ही खुद के मुख से कि बार के अंदर, पब हाउस के अंदर आप गाना गाते थे, क्या थे वो दिन? वो भी एक हिस्सा है मेरी जिंदगी का, शुरुआती दौर था और मशहूर होने का और कोई साधन नहीं था जी, और जाहिर है कि पैसा भी चाहिए था, तो स्ट्रगलिंग पीरियड था. वो होटल में भी गाना गाया और प्रोग्राम भी करता था बरसों तक, 17 साल तक पहले शुरू में. 17 साल तक अपने आप को बिल्कुल कहते हैं कि रगड़ दिया. बिल्कुल, अपने आप को मार के, अपनी आत्मा को मार कर, काफी तकलीफ के दिन थे वो, और बड़ा मुश्किल काम था उस माहौल से अपने आप को निकालना या फिर उस माहौल में अपने आप को जबरदस्ती रखना. अजीज जी, फिर ये सब अंत आ गया 1984 में. कैसे, मतलब ये तराशा इस हीरे को, कौन था वो बंदा जिसने बोला कि नहीं, ये आवाज में जादू, ये आवाज सिर्फ कई 100 लोगों के बीच में सुनने वाली आवाज नहीं है, ये आवाज लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए. कौन था वो जवेरी जिसने इस हीरे को पहचाना, इस आवाज को पहचाना? सवाल बहुत अच्छा है आपका. क्या मैं होटल के अलावा मैं प्रोग्राम भी करता था जगह जगह पे, तो इस वजह से मैं बंगाल में बहुत मशहूर था और मास्टर मुन्ना के नाम से प्रोग्राम करता था. मुन्ना मेरे घर का नाम था, तो छोटा था इसलिए मास्टर कहते थे लोग, मास्टर मुन्ना. तो कुछ मैं 13 साल की उम्र से मैंने शुरू किया ऑर्केस्ट्रा में गाना जी. फिर जब 17-18 साल का हुआ फिर मैं होटल में लगा, तो हम लोग तो प्रोग्राम में जो गाता था तो वहाँ तो सारे होश में होते थे लोग है ना. okay. वो जो बार की दुनिया थी उससे अलग दुनिया थी वो जी. तो वहां से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वहां तो हजारों लोग होते थे प्रोग्राम में और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था. और मैं जब भी रेडियो सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पता नहीं मेरा कब नंबर आएगा, मेरी आवाज कब आएगी रेडियो में. तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अपने मन को मार के, अपनी आत्मा को मार के, पूरा समय समझ के अपने दिन काट रहा था. लेकिन मेरा जो टारगेट था वो यही था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है. और मैं 77-78 से ही उब गया था, बिल्कुल बोर हो गया था. कोई जिंदगी है हमेशा दूसरों के गाने गाना, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ करियर नहीं, यहीं तक
लिमिटेशन है बस। और फिर मैंने 82 में हम दो तीन दोस्तों ने मिलकर, वो लोग भी कलाकार थे, एक जिसमें मिस्टर बाबुल बोस जीना तेरी गले में जिन्होंने म्यूजिक दिया, हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो बॉम्बे जाते हैं। फिर हम लोग 82 फरवरी 12 तारीख को हम लोग गए वहाँ। तो हमारा करीब पौने दो साल का स्ट्रगल रहा, और हर दिन कोई संगीतकार के यहाँ जाना या किसी स्टूडियो में जाना या किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस जाना, यही काम था। वहाँ भी जाके मैं होटल में गाता था, क्योंकि बॉम्बे में खर्च निकालना है, पैसा तो चाहिए, तो मैं रात को वहाँ होटल में गाता था और सुबह स्ट्रगल करता था। और रात को अकेले कमरे में रोता था कि क्या जिंदगी, वहाँ भी होटल था यहाँ भी होटल है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये बस ऊपर वाले ने सुन लिया, और ये आते जाते जो कॉन्टेक्ट बढ़ा और लोगों से मुलाकात हुई। फिर एक साहब थे मुकुल दत्त जी, अपने नाम सुना होगा, जिन्होंने आन मिलो सजना में डायरेक्शन किया था, वो बंगला फिल्मों में गाने भी लिखते थे, बंगाली राइटर थे वो, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे, स्क्रीन प्ले। उन्होंने मुझे बॉम्बे में नेशनल कॉलेज के सामने जो पार्क है वहाँ पे दुर्गा पूजा होता था, वहाँ उन्होंने मुझे सुन लिया, मेरा जो गाना सुना था। फिर वो ले गए मुझे अपने ही एक किसी दोस्त के प्रोडक्शन का की शूटिंग चल रही थी, वही अंबर और ज्योति, ये डबल वर्सन फिल्म बन रही थी। सपन जगमोहन जी संगीतकार थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे आशीष रॉय, उन लोगों ने मुझे जान लिया। वो कौन सा पहला गाना था, मुझे याद है, मुझे मालूम है कि वो बंगाली लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी था। हाँ, क्या 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 क्या, कब तलक दूल्हे चढ़ाए जाएंगे नीलाम पर, सुर में, कब तलक दूल्हे सॉरी तैयार नहीं था, कब तलक दूल्हे चढ़ाए जाएंगे नीलाम पर, कब तलक दूल्हे चढ़ाए जाएंगे नीलाम पर, है वतन वालों ये लानत है वतन के नाम पर, कब तलक दूल्हे चढ़ाए जाएंगे नीलाम पर। ये जो आवाज है, आवाज मतलब ये कसक जो है, क्या क्या आपको लगता है कि आपने बोला कि 13 साल से शुरू किया, 13 साल की उम्र थी तब से शुरू किया, क्या उससे पहले कोई रियाज या तो कोई गुरु या कोई प्रोफेशनल मतलब सिस्टमेटिक ट्रेनिंग क्या मोहम्मद अजीजी ने ली थी कि ये ऐसा ही, जैसे कई लोगों को ये कलाएं मिल जाती है, बोलते ना कि कलाकार बने नहीं जाते, कलाकार पैदा होते, क्या ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फाइन आर्ट्स का जो ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये जम्स कहिए या जो भी कहिए, ये आदमी के अंदर पैदाइशी होता है और वो दिख जाता है बचपन से ही। तो मैं स्कूल फंक्शंस में भी हिस्सा लेता था और जब जब हिस्सा लिया फर्स्ट प्राइज मिलता था मुझे। तो इसी तरह से इंस्पिरेशन मिला और फिर मैं छोटे मोटे मोहल्ले के फंक्शंस में गाने लगा। वो जो तारीफें मिलती है ना, वो जो अंदर जो खून बढ़ता है ना कि बस वाह क्या बात है, मतलब मैं कुछ हूँ, ये अंदर जो फीलिंग आती है। बाद में क्या होता है कि फिर लोगों ने मशवरा दिया कि तुमको गाना भी सीखना चाहिए। तो मैंने एक मिस्टर एडी माइकल थे, साउथ इंडियन थे, बहुत गुनी थे हमारे मोहल्ले में, उनके पास कुछ दिन सीखा, फिर वो चले गए बॉम्बे।
वो भी उनको भी म्यूजिक डायरेक्शन का शौक। कब तक उनका मतलब आपने उनके पास में 2 साल सीखा। उसके बाद एक दिल्ली में किराना घराना के अमीर अहमद साहब थे जो कुछ दिनों के लिए कलकत्ता रहने आए थे जी, उनके पास भी तकरीबन 2 साल सीखा मैंने। मेन बात यह कि मैं आपको सच बात बताऊं, ये संगीत का जो ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा अपने ऊपर से लगता है जी, कि ये बिल्कुल अंदरूनी चीज है। और ये जो काफी हद तक लोगों को म्यूजिकल सेंस जो है वो कुदरती तौर पे होता है, मतलब जो कहते हैं कि शायद ये गुरु से, हाँ गुरु से कहीं एक मोड मिलता है, शायद मोल्ड हो सकता है बंदा, लेकिन जो बेसिक अंदर है वो तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कोई लैंग्वेज जानने के लिए उसके अल्फाबेट्स जानना चाहिए तो आसानी हो जाती है, तो वो इसी तरह है कि भाई ABCD जो है वो जानना जरूरी है। मैं यहाँ रोकूंगा, इसी ABCD से बात शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। दर्शक मित्रों समय था वो एक विराम, नो विराम बाद बात करीशू जानिता गायक मोहम्मद असीज जी साथ। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां बात कर रहे हैं आपने जानिता गायक मोहम्मद असीज जी साथ। मोहम्मद अजीज जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि ये अंदरूनी मामला होता है, ये बच्चा रोता है ना जब, तो भी शायद सुर में रोता है कहते हैं, जिसको गायकी मतलब जन्म से ही मिलती है। मेरा सवाल ये है कि आपको जो सही में ब्रेक मिला वो मिला फिल्म मर्द से। करेक्ट, बिल्कुल। मास्टर मुन्ना मोहम्मद अजीज के नाम से जाना गया मर्द फिल्म, जब मर्द टांगे वाला वो गाना गया, गायकी में तो दम था, साथ साथ वो गाने वाला था वो आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन जी, शायद दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा मिला कि उस गाने ने वो गाना भी हिट कर दिया और मोहम्मद अजीज को भी हिट कर दिया। क्या है कि मैं जब बॉम्बे आया तो कलकत्ता में एक साहब थे जिनके छोटे भाई हैं बॉम्बे में आफ्ताब पिक्चर्स के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर साहब, उनके बड़े भाई थे कलकत्ता में जावेद साहब, उन्होंने मुझे लेटर दिया था कि तुम बॉम्बे जा रहे हो मेरे भाई से मिलना। तो मैं वो लेटर लेकर आया कि जावेद भाई ने दिया, तो लेटर इस तरह लिखा था उन्होंने कि ये मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा गाता है, तुमको इसको चांस देना ही है। अच्छा, फोर्सफुली कि इनको देना ही। हाँ, okay. तो उन भाइयों की बहुत अच्छी आपस की ट्यूनिंग है, तो उन्होंने बिल्कुल उसका सम्मान रखा। ये कि उन्होंने उनकी फिल्म आने वाली फिल्म थी, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक, और अन्नू जी उन दिनों उनका भी काफी स्ट्रगल चल रहा था, 1-2 फिल्में उन्होंने की थी, पूनम, आपस की बात, और तीसरी फिल्म चल रही थी कुछ ऐसा कुछ छोटी मोटी कोई फिल्म। तो उनको बुलवाया ऑफिस में कि कलकत्ता से आए मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं और इनको तुमको सुनो और देखो क्या हो सकता है। तो उसने कहा कि हमारी ये फिल्म जो है इसमें से 4 गाने हो गए हैं और एक गाना और है और वो आशा जी का गाना है, तो और तो अपना कुछ है ही नहीं मेल सॉन्ग, तो फिर भी आपने कहा है तो मैं इनको बुलवाता हूँ अपने घर जी। फिर मेरा वहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और मैंने जब वो ज्योति फिल्म और अंबर ज्योति में गाना गाया था तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो वहीं एक म्यूजिशियन मुझे मिले थे, वो मुझे ले गए उषा खन्ना जी के यहाँ। ओके, उषा जी ने मुझे बैठा के जब गाना सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ भी मेरा आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो अंबर और ज्योति जो इसका गाना रिकॉर्ड हुआ, तो इसके 1 हफ्ते के बाद ही उषा जी ने मुझे गाना गवाया, फिल्म थी मान मर्यादा। ओके, दीपक पराशर थे हीरो, एक होली सॉन्ग था गवाया। उसके बाद उषा जी ने मुझे 3-4 गाने और गवाए, गवाने के बाद उन्होंने वो कैसेट भेजा प्यारे लाल जी के यहाँ, साथ में मुझे भेजा, ये ले जाओ प्यारे भाई को दो, फोन पे बात कर ली।
प्यारे जी ने गाना सुना, उन्होंने लक्ष्मी जी को सुनाया, इस तरह से कॉन्टेक्ट शुरू हुआ। एक दिन मैं ऐसे, मैं कहीं पेइंग गेस्ट में रहता था, मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे एक लड़का आया, एक म्यूजिशियन, तो तुमको अन्नू भाई बुला रहे हैं। ओके। मैंने कहा क्या बात है? बोले भाई तेरी लॉटरी निकल गई भैया, तू आज अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाला है। बोले क्यों, सुबह सुबह जगा के मजाक कर रहे हो यार? बोले अरे मर्द पिक्चर का टाइटल सॉन्ग तू गाने वाला है। मैंने कहा सही बोल भाई, मजाक मत कर यार। बोले मैं मजाक करने के लिए इतनी सुबह आया हूँ, अभी चल बुलाया। मैं जल्दी जल्दी निकला और नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, मैं गया उनके। तो उन्होंने कहा कि ये गाना कोई और गाने वाला था और आज तू गा रहा है, तो अगर अच्छा नहीं गाया तो ये गाना गया। ओके। वापस कोई और रिकॉर्ड करेगा। ओके। क्योंकि मेरी इतनी ताकत है कि मैं मनमोहन देसाई जी के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज उनको सुनाई, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है गवाओ, लेकिन वहां सेट पे अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे भाई, आए हैं स्ट्रगल कर रहे। रिहर्सल किया, 3 बजे स्टूडियो पहुंचे और जब म्यूजिशियंस के साथ मैंने रिहर्सल किया, 100 म्यूजिशियंस 40 कोरस, पहली बार इतने म्यूजिशियंस के साथ फेमस तारदेव स्टूडियो। तो मैंने जब पहली रिहर्सल में विदाउट माइक खड़े होकर रिदम सेक्शन के पास खड़े होकर गाया, तो मनमोहन जी आया और आके मेरे यहाँ पे प्यार किया पेशानी पे, बोला शाबाश ऐसे ही बस तुम माइक पे गा दे। तो मैंने माइक पे गाया तो उनको, उन्होंने कहा रे माइक पे तो ये आवाज़ और भी कमाल लगती है। बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने दूसरा गाना था तंबू में बम्बू लगाए बैठे वो, उसके बाद फिर अल्लाह रखा में दो गाने, ऐसे करके बस चल पड़ा। तो वहाँ क्या सिस्टम था, पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो जो म्यूजिशियन यहाँ बजाते थे वही वो कहीं और भी बजाते थे, आर डी बर्मन के यहाँ, लक्ष्मीकांत पेल्लाल के यहाँ, शंकर जयकिशन के यहाँ, या कहीं भी बप्पी इरदा के यहाँ। तो ये लोग जाके बोलते थे अरे वो कलकत्ते से एक लड़का आया, क्या गाता है, अरे कमाल है यार, क्या कॉन्फिडेंस है ऐसा। तो उनको भी बेचैनी हो जाती थी, म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी, कौन है जरा सुनना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस जब तारीफ कर रहे हैं, बुलाओ उनको। बोला उनको, देवांग जी मैं आपको एक बहुत मजेदार वाकया सुनाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे समय दे। बिल्कुल। मैं लक्ष्मीकांत जी के यहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ 10 महीने तक बंगले के बाहर खड़ा था, आता था जाता था रोजाना। ये इससे पहले की बात है, वो स्ट्रगलिंग पीरियड में, वो जो पौने दो साल मर्द से पहले वाली। हाँ, जाता था तो मुझे अंदर जाने को नहीं मिलता था, कोई ना कोई, कोई सर्वेंट, कोई सेक्रेटरी, इतने लोग रहते थे बंगले में, तो क्या करूं क्या करूं। एक दफा बड़ी मुश्किल से उषा खन्ना जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, दीदी कुछ कीजिए, तो दीदी ने बेचारी ने मुझे भेजा। उषा जी मैं क्या आपको बताऊं, उन्होंने अपने समय पे नए सिंगर्स के लिए बहुत किया, मनोहर उदास जी, पंकज उदास जी, शब्बीर भाई, वो हेमलता जी, कितने लोगों को उन्होंने चांस दिया, मैं भी उनमें से एक हूँ जो मुझे भी काफ़ी गाने गवाए। गाना गवाना अलग है, फिर मेरे गाने लेके मुझे कहीं भेजना और अपनी सिफारिश के साथ, सिफारिश के साथ, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ही शब्बीर भाई को एक बार भेजा था उनके यहाँ, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने तो एक लड़का अच्छा दिया था, शायद ये भी होगा। तो मैं गया और कुछ अलग मूड में, उनकी सीटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही कैजुअली बोल दिया, चल सुना क्या सुना था। ओके। और मैंने सुनाया, उन्होंने सुना भी, उन्होंने कैजुअली मुझे बोल दिया एक हफ्ते बाद आना, देख लेंगे। तो मैं बोला पता नहीं अभी क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आया एक्सप्रेशन से, इनको अच्छा लगा बुरा लगा। फिर मैं एक हफ्ते बाद गया, एक हफ्ते से एक महीना हो गया अंदर जाने को नहीं मिल रहा। फिर मुश्किल से एक बार
उषा खन्ना जी का नाम लेके मैं घुसा तो लक्ष्मी जी ने खुद मुझे भगा दिया, ये कह के वो नहा के उठे थे तो उनको बुरा लगा कि मैंने कहा अजनबी आदमी उनको नंगे वजन देख लिया तो उनको खराब लगा कि दोपहर का टाइम था, क्या यार तू कभी भी आ जाता मूड लटका है, टाइम टेबल कुछ देखता नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई फोन नहीं। मैं बोला मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं बहुत दिनों से आने की कोशिश कर रहा, बहुत मुश्किल से आया हूँ सर, मैंने आपको सुनाया था गाना। हाँ ठीक है सुनाया था, काम कर, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, कलकत्ता जा यार, मैं जा, तू कलकत्ते का ना, मैंने कलकत्ता जा थोड़ा रियाज व्याज कर ठीक से। मैं बड़ा निराश हो गया, मैं जू बीच में जाके खूब रोया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आइडल संगीतकार वही थे लक्ष्मीकांत पहला, इंडियन स्टाइल जो है मेरा जी, 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 जी। और मैं, मेरे आदर्श बचपन से रफ़ी साहब, और रफ़ी साहब को उन्होंने एक से एक गाने गवाए, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इनका गाना गाऊंगा तो मैं बराबर गाऊंगा, और जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अब मेरा क्या होगा, वो छोटे छोटी मोटी फिल्मों के लिए गागा के कोई फायदा नहीं। मैं धूप में कड़कती धूप, जून का महीना और जू बीच में खड़े होकर रो रहा हूँ अकेले, बे यारो मददगार कोई नहीं है अपना, बम्बे में जान पहचान नहीं, कोई हेल्प नहीं। बहरहाल वो जो मर्द फिल्म का गाना हुआ उसके बाद मुझे बप्पी दा ने बुलाया, गिरफ्तार पिक्चर में सीधा उन्होंने मुझे किशोर दा के साथ डुएट रखवा दिया। और किशोर दा ने पहली बार जब मैं माइक पे खड़ा हुआ और किशोर दा ने सीधा बोला वाह क्या बात है यार, तू तो शेर का बच्चा है यार, ये उनका सेंटेंस था, क्योंकि वो गृहस्थी आवाज में गाने वाले जी, तो उनको वो पसंद आएगा, आया कि ये भी तो वैसे रेंज हाई पिच वाला आदमी, अरे क्या बात है यार किधर से आया तुम्हें, बोले कलकत्ता, ओ सही जोन ने, मतलब उनको वो भी बंगाली, हाँ बोलो सही जोन ने, तो क्या बात है यार, वो थोड़ा फिर मैंने गाया, बोले तुझे डर नहीं लग रहा, मैं बोला नहीं दादा, क्यों, तो क्यों जो बोला ना तो उनको और अच्छा लगा कि मतलब आमतौर से लोग डरते ना सीनियर के साथ, हाँ? ये बोला आपने, हम मेरे मुंह से ऐसे निकल गया क्यों, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ, शाबाश ठीक है अच्छा गा रहा तू, कीप इट अप, मैं आराम से गा रहा हूँ, इतना लाइट मूड में मुझे देखा उन्होंने तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा अच्छा तू एक बात बता, मुझे तुझे देख के कोई याद आ रहा है, मैं बोला कौन दादा, बोले मुझे तुझे देख के रफी साहब याद आ रहा है, तू उनका भक्त है क्या, बोले दादा 100%, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे गुरु है, मेरे आदर्श है। तो ये बोलते बोलते मेरी आंखों में जरा आंसू आ गए इमोशनली, तो उन्होंने बोला अच्छा यार तो सचमुच बहुत प्यार करता है, लेकिन एक बात बताओ तू क्या प्यार करता है, तेरे से ज्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ। गाने वाला तो वही था, तो ये जैसे आवाज की खुशबू जो फैलती रही और उसमें जो पहली बार रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने भी बोला कि अगर यही है मास्टर मुन्ना मोहम्मद अजीज तो बिल्कुल गायकी के आफरीन हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी वो आपका पहला ब्रेक मर्द टांगे वाला का एक मुखड़ा सुनाएं। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला हे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। यस यस यस, रफी साहब की आपने बताई, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मोहम्मद अजीज जी आपने बताया कि रफी जी के आप फैन थे बचपन से ही, आपको लगता था कि ही इज अ ग्रेट सिंगर, और आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के या तो हिंदी भाषा जो भी जानते पूरा विश्व उनको सलाम करता है उनकी गायकी को। क्या आपको लगता है, मेरा सीधा सवाल है, कि सिर्फ मोहम्मद रफी जी के फैन होने की वजह से, मोहम्मद रफी जी का अंदाज है उसमें बंधने की वजह से कहीं आपको वेरिएशन नहीं मिला, क्रिटिसाइज भी होते रहे आप,
लोगों ने बोला भी सही कि एक एक दायरे से बाहर नहीं जा सकते मिस्टर मोहम्मद अजीज, क्या आपको नुकसान भी हुआ इससे? मुझे फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ, शुरू में फायदा हुआ, बाद में शायद नुकसान भी इसलिए हुआ कि आज मैं 12,000 गानों का मालिक होते हुए भी मेरे नाम के साथ रफी साहब मेरा नाम जो उनके साथ जुड़ा है तो कहीं कहीं तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है, चलो क्या बात है, वाह वाह। अभी आज भी मैं श्रद्धांजलि का प्रोग्राम करने आया हूँ तो इतने हजारों गाना गाने के बाद भी मैं उनके नाम से जुड़ा हूँ, ठीक है। तो कहीं कहीं फायदा हुआ, कहीं नुकसान भी हुआ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कि जब उस टाइप का गाना बनता है तो मुझे बुलाते हैं, नहीं तो नहीं बुलाते। यहाँ मेरा सीधा सवाल है, ये इंडस्ट्री जितनी मलमली है, जितनी मखमली है, इतनी फिसल जाने का भी बहुत चांस है। मोहम्मद अजीज का जब सितारा था तब कई लोग आते थे, लक्ष्मी जी ने खुद ने बुला दिया, बप्पी दा ने खुद ने बुला दिया, किशोर दा खुद इतने खुल के तारीफ किया, लेकिन इस इंडस्ट्री जो इस नाम से जानी भी जाती है, बदनाम भी है, कि जब तक टॉप पर हो सब लोग साथ में, थोड़ा भी गर्दिश में गया सितारा, कई अपने आप अपने थे वो भी छोड़ के चले गए, ऐसा भी एहसास हुआ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जो मेरे घर आते थे वो बाद में फोन पे भी नहीं आते थे, और बड़ा ताज्जुब भी हुआ मुझे, जबकि आपको मैं बताऊं कि मेरा खुदा गवाह का म्यूजिक मेरा सुपर हिट हुआ, जिसमें 5 गाने थे मेरे, उसका म्यूजिक सुपर हिट होने के बाद भी बाद में घर पे बैठ गया। मुझे आज तक रीजन समझ में नहीं आया, जबकि मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी कोई अहंकार वाली बात नहीं कही, मेरा कोई कभी पैसों के लिए कोई बात नहीं हुई, ना मैं कभी इरेगुलर था, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ शुरू से ही। मोहम्मद अजीज, हमारे पास बहुत वक्त कम है, मालूम है कि शायद आपकी बातें आने वाले दिनों में जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गायकी के साथ जुड़े हुए जो भी यूथ है उनको बहुत इंस्पिरेशन दे सकता है, लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि ये आवाज का जादू फिर से एक बार जोर से उछले और पूरे हिंदुस्तान के कानों तक गूंजे। लेकिन इसी सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ आप ही का गाना कार्यक्रम के अंत में हम आपसे सुनना चाहेंगे, आखिर क्यों का एक अंधेरा लाख हो जाने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूं अभी भी, और मैं बिल्कुल आज भी रियाज करता हूं और मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूं, जब कभी मौका मिलेगा एक और इनिंग खेलूंगा, नो प्रॉब्लम। ये गाना एक अंधेरा लाख हो जाने। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अजीज जी। दर्शक मित्रों, स्टिल ही इज कॉन्फिडेंट, मोहम्मद अजीज जी नो जे आवाज हतो देनो जादू करोड़ो गीत संगीत ना चाहको लीधो छे, परंतु क्यांक अत्यारे एक क्यांक ब्रेक आवी गयो छे, परंतु आशा राखिए कि आ महान गायक नो आवाज फरी एक वक्त आपने बधा सांभळीए। विश यू ऑल द बेस्ट मोहम्मद अजीज। मैं भी देवांग जी जाते जाते एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जी, इरशाद। और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। क्या बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। दर्शक मित्रों, फरी मळीशुं आवती काले नेक्स्ट एपिसोड मां, अतिथि मां एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपशो, नमस्कार।